हेलो फ्रेंड्स, तन्मया की रसोई में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी रेसिपी है वो हम बनाएंगे अपने लाडले प्यारे और नटखट श्री कृष्ण के लिए। जी हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, तो चलिए आज हम बनाते हैं मथुरा के पेड़े। और यह बहुत ही आसान सी रेसिपी है, पर टेस्ट बिल्कुल मथुरा के पेड़ों जैसा और दिखने में बिल्कुल वैसे ही है। इसमें ना तो हमें घंटों दूध को उबालना है, ना कोई मावा बनाना है, और सिर्फ तीन चीज़ों से हमारे जो ये मथुरा के पेड़े हैं बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ली है एक मोटे तले की कढ़ाई। अब उसमें मैं यहाँ डाल रही हूँ एक टेबल स्पून घी। यह बहुत ही कम घी में बनकर तैयार हो जाएगी मिठाई और बहुत ही कम समय में। तो यहाँ घी थोड़ा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप मिल्क पाउडर। जी हाँ, ये सिर्फ तीन चीज़ों से बनकर तैयार हो जाएगा, मिल्क पाउडर, चीनी और घी। अब इसे हमें लगातार चलाते हुए सेक लेना है, नहीं तो ये जल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि आप इसमें मोटे तले वाली कढ़ाई लेवें। ये देखिए, इसमें हल्का सा येलो कलर आना स्टार्ट हो गया है। हमें इसे तब तक सेकना है कि जब तक इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो यहाँ लगातार चलाते हुए मैंने इसे सेक लिया है और आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इस स्टेज पे हमें डालना है इसमें 1/4 कप दूध। दूध यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। और अगर आप एक कप ले रहे हैं मिल्क पाउडर तो उसमें 1/4 कप दूध लेना है। ये मेजरमेंट इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और यह एक डो की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये एक डो की तरह हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे बुरा या तगा या फिर पीसी हुई चीनी। इसमें आप पीसी हुई चीनी या बुरा हुआ तगार का ही यूज़ लेवें। और अब हम चीनी को अच्छी तरह से इसके साथ मिला लेंगे। चीनी जब अच्छी तरह से इसमें मिल जाएगी तब तक हमें इसे चलाते रहना है। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 टेबल स्पून घी। तो मैंने कहा ना, ये बहुत ही कम घी में बनकर तैयार हो जाएगी, तो इसके लिए सिर्फ हमें 2 टेबल स्पून घी ही लगा है। और अब हमें इलायची पाउडर और घी के साथ इसे अच्छी तरह से लगभग 1 मिनट तक मिला लेंगे और सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है। और जैसा मथुरा के पेड़ों का कलर होता है सेम वैसा ही और उतना ही ये दानेदार भी बना है। तो इस टाइम हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे कि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। अगर कढ़ाई में छोड़ेंगे तो ये हल्का सा नीचे से लग भी सकता है या फिर जल सकता है। तो अब हम इसे प्लेट में फैला देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा और हम इसके पेड़े बना लेवें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मिक्स है वो ठंडा हो चुका है। और अब इसकी हम पेड़े की साइज़ की बॉल बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइन आई है सिर्फ 2 चम्मच घी से, और सेम वैसा ही कलर आया है। अब जो बॉल बनाई थी मैंने उन्हें इस तरह से पेड़ों का शेप दे दिया है। और जो बूरा या तगार थी या फिर पीसी हुई चीनी भी ले सकते हैं इसकी जगह। अब हमने जो पेड़े हैं उसे चीनी में इस तरह से लपेट लेंगे, जिससे कि जो बिल्कुल मथुरा स्टाइल इसका लुक आएगा और सेम वैसा ही टेस्ट होगा। तो तैयार है हमारे श्री कृष्ण को लगाने के लिए भोग मथुरा के पेड़े। मैं आपको इसे तोड़कर बताती हूँ, बहुत ही दानेदार बने हैं। तो तन्मया की रसोई से आज आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। लाइक करें वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।